नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर डुपर इंडिया हेल्दी। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो दिल्ली का कि दिल्ली में आपको गर्मी सर्दी के कोई भी कपड़े लेने हैं तो उसमें सबसे सुविधाजनक मार्केट है जनपद। और सबसे इसमें हैरानी वाली बात है कि भीड़ भड़क के मार्केट के अंदर ही पार्किंग है, लोगों को पता नहीं है। आप गाड़ी लाओ, पार्किंग हमेशा खाली मिलेगी आपको आराम से, 20 रुपये घंटा है। और तसल्ली से शॉपिंग करो, माल खरीदो गाड़ी में रखो, माल खरीदो गाड़ी में रखो और आराम से घूमो। इस मार्केट की खासियत क्या है वो भी मैं बता देता हूँ जनपद की, कि यहाँ पे ज़्यादातर हरेक माल 200-250 रुपये मिलता है, हरेक माल 200-250 रुपये मिलता है। और कई बार तो सीजन ऑफ में सेल लग जाती है, जैसे ये कोट अभी 25 रुपये का मिल रहा है, मात्र 25 रुपये। और मेरी इनसे बात हुई, मैं क्या बात है, कहते भाई साहब पूरा धड़ा ले लो, बल्क में ले लो तो आपको 20 रुपये पड़ जाएगा, आप दान कर देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये मार्केट का माहौल है, बहुत ही शानदार मार्केट है जनपद। और इसके कनाट प्लेस के आउटर सर्कल में LIC बिल्डिंग के पीछे है ये मार्केट। ये मेरे पीछे आप LIC बिल्डिंग देख रहे हैं, LIC बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे है, वहीं पे पार्किंग है। गाड़ी पार्क करें और आराम से आप इस मार्केट में शॉपिंग करें। बहुत ही बढ़िया माहौल और बहुत ही शानदार मार्केट है। क्या रेंज में भाई सर? 100 रुपये का कोई सर। अच्छा, ये कितने बजे मार्केट खुल जाती है? 10 बजे। और क्या रात के कितने बजे तक रहती है? 10 बजे। अच्छा, 12 घंटे, तो 10 बजे सारे आ जाते हैं लोग? सारे नहीं आते, 11 बजे तक दुकान। अच्छा, 11-12 बजे तक हो जाता है पूरा तैयार, तो ये सुबह 10 बजे मार्केट खुलनी शुरू हो जाती है। तो ये मार्केट का पता है, तो ये मार्केट है। गरीबों का गहना अमीरों का शौक, इस मार्केट का डायलॉग है। गरीबों का गहना अमीरों का शौक, 200-250 रुपये में आप जो नई मूवी आई है किसी भी थिएटर में, हिंदी फिल्म लगती है, उसके सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे अभी पठान आई है तो पठान ने जो शाहरुख खान ने कपड़े पहने, जो दीपिका ने कटे फटे कपड़े पहने, सारा सामान मिल जाता है 200 से 250 रुपये में। और इसके सामने बैंक ऑफ इलाहाबाद भी है और बहुत ही बढ़िया मार्केट है। वैसे पटरी वाली मार्केट है, इसे पटरी वाली मार्केट कहते हैं कि माल सारा पटरी पे मिलेगा आपको। ये जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ये कुछ दुकानें काटी गई थी, ये 6x4 जगह मिली हुई है इनको, उसी पे ये मार्केट बसी हुई है ये पूरी। ये देखिए पूरी भीड़, यहाँ से मार्केट की शुरू होती है और परले आर पार भी है ये मार्केट और यहाँ से मार्केट ख़त्म होती है। बहुत ही बढ़िया माहौल है, फैमिली के साथ आओ, गेट पे ही खाने पीने के काउंटर भी है, कुछ खाना पीना हो तो खाओ पियो अपना। और दान के लिए कपड़े चाहिए तो दान के लिए कपड़े मिल जाते हैं, 20-20 रुपये के बढ़िया कोट जो लटक रहे हैं, बढ़िया कोट 20 रुपये में मिल जाते हैं दान देने के लिए। और इनसे बात करते हैं, भैया 100 के 4 वाला कौन सा माल है? 100 के 4 ख़त्म, 100 के 4 आज तक बेचे ही नहीं। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी 100 के 5 है, 100 के 2 है, 500 का 1 है। 100 के 5 कौन से हैं? 100 के 5 रात में मिलता है। अच्छा, तो ये लॉट का माल है, तो लॉट का माल की बार बल्क में आप उठा सकते हैं। भैया कैसे दे रहे हो? तो अलग अलग तरह की वैरायटी है, अलग अलग तरह का माल है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक लॉट की बात की थी पूरी, पूरे के पूरे 500 कोट, उसने बोला कि 20 रुपये के हिसाब से दे दूंगा मैं, 2500 में सारा बल्क में माल उठा लो। ये टावर के नीचे है ये, तो यहाँ पे दान वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त स्कीम है। ये सारी पटरी की मार्केट है, आप देख रहे हैं। बड़ा अच्छा मौसम है आज, डेट हो गई है शायद मेरे ख्याल से 22 फरवरी 2023 है और दिन संडे है, अपडेट होकर मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो ये माहौल है, इसके सामने आपको गुजरात का सामान मिलता है, गुजरात की लाइन है पटरी वाला, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से ये पटरी शुरू हो जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं। सामने पार्किंग है और इसके ऊपर LIC की बिल्डिंग है, बल्कि LIC की बिल्डिंग के पीछे गाड़ी पार्क करो और आराम से पटरी पे घूमो। तकरीबन हर एक माल 200, 300, 250। गरीबों का गहना अमीरों का शौक, यहाँ पे सारे तरह के लोग आते हैं और अपने हिसाब से माल खरीदते हैं।
भैया जी क्या बेच रहे हो? ये टावल है, टावल है। कोई नरम सा तौलिया दिखाओ, बढ़िया सा, शानदार, जानदार जानदार जानदार। ज़्यादातर जनपद पे आपको जो माल है ठीक ही मिलेगा। जैसे जो आपके मोहल्ले में माल 200 रुपए का है तो वहाँ मान के चलो कि 20-30 रुपए में मिल जाएगा। और ये भाईजान से भी हमने शॉपिंग की, आलम भाई से अच्छा माल मिल गया। टी शर्ट इन्होंने बढ़िया टी शर्ट 150-200 रुपए की दे दी हमें, 150 की कुछ 200 रुपए की बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया मतलब लुधियाना की होजरी का माल। और कॉटन के पजामे अभी गर्मी आ रही है वो 250 रुपए के मिल गए। और ये लॉट का माल है, पूरा पूरा माल उठा लो लॉट में 3,000-4,000 में पूरे, और गरीबों में बांट दो, किसी भी बस्ती में गाड़ी खड़ी कर दो और सबको अंग्रेज बना दो। ये फॉरेन से माल आता है, सरप्लस का माल बोलते हैं, कंटेनर भर के आते हैं यूरोपियन कंट्री से और वॉश होके ये धुलते हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ के जनपद का माहौल, बिल्कुल आज तो ऐसा लग रहा है गोवा में घूम रहे हो, बिल्कुल मीठा मीठा मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिट्ठू बैग भी यहाँ पे अच्छा, पिट्ठू बैग आपको 200-300 में मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। जो आपको पास आके सामान बेचते हैं, ये ले लो, उसे लपके कहते हैं, लपके भी बहुत हैं, आप लपकों से थोड़ा सावधान क्योंकि वो हेरा फेरी करके निकल जाते हैं। कोशिश करें जो माल है दुकान से ही लें ताकि आप उसे बदल भी सकें या उससे बात भी कर सकें, तो थोड़ा ध्यान रखिए माल लेते हुए, लपके से माल ना लें, लपका आपको धोखा दे सकता है। और बाकी कोशिश करें कि जो बंदे से माल ले उसका नंबर ले लें, कि अगर माल छोटा बड़ा होता है बदलवाना होता है तो बदलने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आके माल बदल लो। और जेब कतरों से सावधान रहें क्योंकि भीड़ ज़्यादा की वो जेब काट के ले जाते हैं। कोशिश करें फ़ोन से पे करें और फ़ोन अपने हाथ में रखें, पर्स को घर छोड़ के आएँ या गाड़ी में या कहीं भी छोड़ दें। और इसके आसपास 5-स्टार होटल हैं तो जो अंग्रेज बाहर से आते हैं कई बार उन्हें भी कपड़े चाहिए होते हैं तो उनके गाइड ले आते हैं यहाँ पर। ये लपका है जो घूम रहा है। अच्छा यहाँ पे शाम को रौनक काफ़ी होती है, 10 बजे का टाइम है पर जाते जाते 11-11:30 बज जाते हैं। एक बात और, यहाँ पे कचरा फेंकना मना है, अगर कचरा फेंकते पकड़ेंगे तो फाइन होता है 500 रुपया, वो चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये है जनपद का माहौल, बहुत ही शानदार कूल माहौल, काले काले आसमान के नीचे हरे हरे पेड़ और उसके नीचे जनता मजे मारती हुई। अच्छा यहाँ पे लेडीज़ का सारा सामान मिल जाता है, जो भी नए डिज़ाइन की वैरायटी है, ज्वेलरी है, बल्कि मियाँ बीबी बच्चों का जो सामान चाहिए सारा मिल जाएगा। अगर आप इसके एंड तक पहुँचोगे तो दुकानें हैं बड़ी, वहाँ थोड़ा महंगा माल मिलता है, एंट्रेंस पे आपको सारा ठीक ठाक रेट में माल मिल जाता है। तो आओ एंजॉय करो, घूमो फिरो, मौज मारो, ये दिल्ली की जान है जनपद, गरीबों का गहना अमीरों की शान, आइए जनपद पर।